सकते हैं हमारे काका जी यहाँ पे बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा पुण्य का काम यही होता है पानी बांटना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे और एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के एक, और काफ़ी लेट ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज ना दिन भर से बारिश हो रही है और इसके दो दिन पहले से भी बारिश स्टार्ट थी, बट आज और कुछ है। और दिन है आज संडे, और आज है ना गाइस यहाँ पे गांव में है भंडारा, जो कि नागद्वार गए थे, यहाँ से बहुत से लोग गए थे जो कि भोलेनाथ के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद में वो लोग घर को आए, और घर को सवा महीना करते हैं मिनिमम 35 दिन। तो गाइस आज उनका भंडारा है जो कि एक मंदिर पे, हनुमान जी के मंदिर पे। और गाइस अभी मैं छत पे था, जो कि मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाने लाया था, तो देख सकते गाइस कुछ ऐसा है, पूरा कोहरा कोहरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ, और इधर साइड भी देख सकते हैं ये, और ऐसा कुछ गांव है। और अभी मैं छत पे था तो गाइस अपुन वो मंदिर दिख रहा है हनुमान जी का, तो वहाँ पे आज है भंडारा और कुछ ऐसा गांव है। तो गाइस आज सूर्य देवता के दर्शन करने तो मिले नहीं, बट ना आज गाइस जितने भी लोग भगत, जितने भी भोलेनाथ के दर्शन करने गए थे नागद्वार, उनके घर पे काफ़ी मेहमान लोग आए हैं, और गाइस मेरे भी घर पे आए हैं मेहमान, जो कि मौसी वगैरह। तो गाइस वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और लंबा भी होगा थोड़ा सा, और मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो गाइस अभी अपन चलते हैं नीचे, और मैं अभी नीचे उतर गया हूँ जो कि मैं छत पे गया था। और ये लोग देख सकते हैं गाइस, ये है दोनों भगत, अंजू दीदी, हाँ भक्तिन भक्तिन, और अंजू दीदी है, महक जीजी है, और इनका इधर साइड में रूम है जो कि ये तैयार किया है, और इनका चल रहा है अभी सवा महीना। बट अभी कब टूटेगा, कब होगा कंप्लीट, ऋषि पंचमी को कंप्लीट हो जाएंगे इनका सवा महीना, और आज है भंडारा। तो गाइस मम्मी ने खाना वगैरह बना लिया है जो कि रोटी है, और हमारे यहाँ का एक रूल बहुत अच्छा है, जो कि हमारे यहाँ सभी लोग सहयोग करते हैं, ऐसा कुछ भंडारा वगैरह रहा तो सब अपने अपने घरों में दो दो तीन तीन पाई आटा लेके जाके बनाते हैं। तो गाइस अभी मम्मी ने भी तैयार कर लिया, और मैं अभी वहाँ पहुँचाने जाऊँगा। तो गाइस देख सकते हैं इस प्रकार के अपने अपने घरों से रोटी बना के लेके जाते हैं, और देख सकते ये लोग जा रहे हैं अभी मंदिर पर। यहाँ पे मेरे दोस्त के घर पे आया था मैं, तो सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए। मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ तो कोई ना कोई जमा हो जाता है। सो गाइस देख सकते हैं ऐसा कुछ टेंट लगा है खाने की व्यवस्था के लिए, और गाइस आज ना पंगत बैठाने का सिस्टम था, बट अभी क्या करें, पानी आ रहा है, और देख सकते हैं मेहमान लोग सारे आ रहे हैं, कोई गाड़ी से, कोई जीप से, ये देख सकते हैं दो तीन जीप खड़ी है। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी अपने घर के सामने आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा वो भजन वगैरह चल रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी वॉइस नहीं आ रही है उसमें बरोबर। तो गाइस मैं वहाँ पे बता दूँ, तो गाइस खाना वगैरह सब रेडी हो गया है, और अभी 10 मिनट के बाद में क्या बोलते आरती होने वाली है। तो अभी वहाँ पे चल रहा है भजन, और ना अभी मैं मोबाइल अंदर देने वाला हूँ, जो कि वहाँ पे पद्म शेष की एक मूर्ति बनी है जो कि आटे की। तो गाइस मैं पूरा मेरे से जितना हो सके मैं उतना वीडियो में कवर करूँगा आज आपके लिए। तो गाइस अभी चलते हैं, और मैं मोबाइल देता हूँ उनको, क्योंकि अपन मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, जो भगत लोग हैं वही जाते हैं, इस वजह से मैं उनके पास मोबाइल दे दूँगा, और वो फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद में फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं ऐसे मेहमान लोग आना स्टार्ट हो गए है, कोई जीप से आ रहा है, कोई बाइक वगैरह से आ रहा है। तो देख सकते हैं गाइस अपने मोहल्ले में ना पूरी बाइक ही बाइक दिखाई दे रही है, देख सकते हैं।
आरती वगैरह करके आ गए हैं मंदिर से, और देख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में खड़े हैं। और ना महक जीजी के हाथ में मैंने मोबाइल दिया था, जो कि मंदिर में आरती चल रही थी जब, और इनने उधर अंदर वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि जो भगत है उनके साइड अपन नहीं जा सकते, और हम लोग दूर खड़े थे और महक जीजी अंदर थी, तो उनके पास मोबाइल दिया। और ना अभी खाना स्टार्ट हो गया, जो कि अभी व्यवस्था करना चालू है, जो कि प्लेट वगैरह है लाई है, तो उसको धुलना डालना चालू है। तो गाइस अभी 10-15 मिनट के बाद में खाना भी स्टार्ट हो जाएगा। गाइस ये देख सकते हैं हमारे काका जी यहाँ पे बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पुण्य का काम यही होता है पानी बांटना। और देख सकते हैं इधर साइड में पंगत भी स्टार्ट हो गई है, अभी जेंट्स लोगों ने खाना खा लिया है और अभी लेडीज से लगी है लाइन में, जो कि देख सकते हैं इधर साइड में, और कुछ लोग इधर प्लेट भी धोना चालू है। सारा काम इकट्ठे ही हो रहा है, और तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी लोग इधर से आ रहे हैं, जो कि खाना खाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। और गाइस अभी ना अपन उधर चलते हैं खाने के तरफ। हम लोग अभी थारी वगैरह लगा के आ गए हैं कन्हे भैया के घर पे, और हम तीन लोग बैठे हैं इधर, और नाना भैया आने के अभी, तो देख सकते हैं राजकुमार इधर है और गोला भैया ये बैठे हैं खाना खा रहे। तो हमारी थाली लग गई है, रोटी चावल और आमटी सब्जी है, और ये खीर है, और ये प्रसाद है। तो गाइस अभी ना इसको अपन ख़त्म करते हैं, उसके बाद में सो गाइस फाइनली यार अभी खाना वगैरह खा के हम लोग घर पे आ गए हैं। और गाइस ना पानी और स्टार्ट हो गया है, जो कि सभी लोगों का खाना हो गया था, बट थोड़ी बहुत लेडीज से और मेहमान लोग बचे थे, तो वो अभी खाना खा रहे हैं, और जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ अपनी थारी लेके जाके खाना खा रहे हैं, क्योंकि सारे दूर पूरा गीला गीला है, और कोई किसी के घर में या किसी के घर में जहाँ जैसी जगह मिलती है वैसे खाना खा रहे सभी लोग। और अभी ना थोड़ा पानी भी स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं ये बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, तो देख सकते हैं इधर ये सब है। फुग्गा जीजी भी इधर ही लेके आई है, अनिसा जीजी, अरे इसका नाम नहीं पता मुझे, आरोशी। तो देख सकते हैं गाइस अभी पानी भी स्टार्ट हो गया, और सब अपने अपने घरों में थारी लेके आ रहे हैं और खाना खा रहे हैं। देख सकते हैं पानी स्टार्ट हो गया, और वो वहाँ पे भी देख सकते हैं लेडी से खाना खा रही है, मतलब जिसको जहाँ लग रहा है वहाँ खाना खा रहे हैं। और गाइस हम लोगों ने भी खाना खा लिया, और अभी हम लोग घर पे आ गए थे, और तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7, और ना चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा हो गया है, और घर पे लाइट वगैरह भी नहीं है, काफ़ी टाइम से लाइट चली गई है। और जो काजलडो वाली मौसी और चाचा आए थे वो लोग भी अभी यहाँ से चले गए, क्योंकि उनके भी घर पे कोई काम है करके। तो गाइस आज का ब्लॉग अपन यहीं समाप्त करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, जय जय गुणवंता।